ये मैं आज बना रही हूँ देसी मशरूम का सब्जी, बिल्कुल नेचुरल जो हम लोग जंगल से लाए थे। तो ये है, अभी मैं प्याज सूखा मिर्ची फ़ौरन दे के भून रही हूँ। अभी मैंने जो मशरूम साफ किया था उसको रेडी कर रहा है बनाने के लिए। और ये प्याज मिर्ची ये सब मैं भून रही हूँ, भून रही हूँ इसको अच्छी तरह से भून लेती हूँ जब तक कि प्याज लाल लाल ना हो जाए, तब तक भून रही हूँ। भूनने के बाद में इसमें मैंने कटा हुआ टमाटर डाला, एक कटा हुआ टमाटर डालने के बाद में इसको भी अच्छी तरह से मिलाती हूँ जब तक कि अच्छी तरह से माने कि मिक्स ना हो जाए और ना भून ना जाए। इसके बाद में मैं अभी इसके ऊपर में डालूँगी नमक। ये मैंने नमक डाल दिया क्योंकि नमक डालने से टमाटर थोड़ा गीला हो जाता है, गल जाता है। टमाटर के डाल नमक डालने के बाद में मैंने हल्दी डाला। हल्दी डालने के बाद में इसको भी अच्छी तरह से मिला लेती हूँ। ये हम लोग का बिल्कुल देसी तरीके से, हम लोग का ट्राइबल तरीके से मैं बना रही हूँ सब्ज़ी। नॉर्मली हम लोग का जो हम लोग डेली जैसे बनाते हैं वैसे बना रही हूँ। ये फिर मैंने डाला मसाला, मसाला डाला पिसा हुआ, जीरा डाला, फिर अभी डाल रही हूँ मैं धनिया। धनिया डालने के बाद में भी अच्छी तरह से मिलाऊंगी। वही है, मिलाना इधर उधर में उलट पलट करना, यही है नॉर्मल। और ये मैंने डाला अभी मिर्ची का पाउडर कलर के लिए, और बस चलाते जाओ चलाते जाओ चलाते जाओ जब तक कि पूरा ये टमाटर गल ना जाए। टमाटर को गलने देती हूँ थोड़ा, टमाटर भी गल रहा है थोड़ा थोड़ा, जोर जोर से मैं वो कर रही हूँ पक जाए बोल के। और मैंने डाल दिया इसमें ये जो देसी मशरूम है उसको जो साफ करके तैयार रखा था, मैंने वो देसी मशरूम डाल दिया। देसी मशरूम डालने के उसको अच्छी तरह से फिर पकाऊंगी, मिला रही हूँ उसको अच्छी तरह से भून रही हूँ। और इसको कुछ देर छोड़ देते हैं, उसके बाद में ये पक गए, मैंने पका नहीं है, ये थोड़ा थोड़ा जो मशरूम का जो पानी है वो निकल रहा है। पानी निकलने के बाद ये बिल्कुल सूखा हो जाएगा। इस तरह से पकने के बाद में ये सूखा हो गया है, इसको और थोड़ा ज़्यादा सूखा करना है क्योंकि ये ज़्यादा ही ग्रेवी हो गया है। ये सूखा हो गया है और ये अब पकने ही वाला है। और ये देखिए कितना अच्छा दिख रहा है, कलर टेस्ट भी आ रहा है, सेंट भी आ रहा है, मुझे तो आ रहा है सेंट। और ये मेरा पक गया। और मैं दोपहर का लंच में अंडा करी और मशरूम और चावल लेके भात खा रही हूँ। तो थैंक यू मेरे चैनल को देखने के लिए, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि मेरा पूरा पूरा वीडियो देखिएगा। थैंक यू।